ada ciri khasnya. प्रतिवर्ष की भांति जिस प्रकार आपकी ग्रेटर नोएडा में होता है, श्री धार्मिक ग्रामीण कमेटी का ये दूसरा वर्ष है। आपने पिछले वर्ष बहुत सहयोग किया, क्योंकि आपके सहयोग के बिना हमारा जो भाव है कि यहाँ की जनता को जो सोच है, जो इस विकसित होते हुए शहर में जनता आई है, उसकी बहुत सी अपेक्षाएँ हैं, उनकी चाहत है कि इस शहर में जो मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने जा रहा है उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें हों। और क्योंकि किसी भी शहर की पहचान उसकी कला और संस्कृति और संस्कार से ही हुआ करती है, आदि अनादि काल से ऐसा ही है, क्योंकि नया शहर है, कई जगहों से लोग आके यहाँ बसे हैं। तो हमारा ये प्रयास है, पहले भी था, प्रयास ये सदा से रहता है, भाव ये सदा से रहता है कि यहाँ की जनता को अच्छा मनोरंजन दें और मिलकर हम बैठकर अपने तीज और त्यौहार को मनाएं। ये मकसद है मेरा एज ए डायरेक्टर, मैं अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ। पिछले साल भी आयोजन हुआ, उसकी सराहना आप सब ने और यहाँ के शहर के लोगों ने की। इस बार और मनोबल बढ़ा हमारी इस कमेटी का। पहली बार जो मेरी शर्त थी इस कमेटी के साथ, बुरा आदमी हूँ, कि भाई हर व्यक्ति अदलता बदलता रहना चाहिए, किसी भी संस्था में किसी की मनोपली ना हो। ये नहीं कि मैं ही कर सकता हूँ, मेरे से और श्रेष्ठ आदमी लाएं, ताकि ये सिलसिला शहर का बढ़े। कोई भी पूर्ण नहीं है, सब अपूर्ण होते हैं। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम शहर को और अच्छा दें। तो इन्होंने हमारा प्रस्ताव स्वीकार किया और बहुत नौजवान हमारे मावी जी को इसका अध्यक्ष बनाया, और राकेश जी को महामंत्री, और हमारे जो कोषाध्यक्ष हैं, सब नई टीम ने ये जो नया स्वरूप देख रहे हैं, पिछले साल से सुंदर स्वरूप दे रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है, और उनका नेतृत्व करते हैं हमारे शेर सिंह भाटी जी, जो मैं कहूँगा कि मुख्य संयोजक हैं। अब सबका नाम लूँ, क्योंकि आप सब ने नोट कर लिया है, इसमें सबका सहभागिता है। इस बार हमारा प्रयास है कि हम पिछले साल से अच्छा प्रोग्राम आपको दे सके। कलाकार बंधु हमारे सारे के सारे 75 कलाकार राजस्थान से आ रहे हैं, और राजस्थान से भी एक जगह से नहीं आ रहे, इस बार दो जगह से आ रहे हैं। जो पुरानी टीम तो 2006 और 2007 में भी यहाँ जो आपका मंचन करके गई थी, वही और पिछले साल भी करके गई थी, जोधपुर की टीम एज इट इज, प्लस हमारे बीकानेर की भी टीम ने उसमें शिरकत की है। तो ये टीम हमारी बढ़ गई है। कुछ आकर्षण है, जैसे पुष्पक विमान का आकर्षण हम इस वर्ष दे रहे हैं कि 22 फीट हाइट तक हम सीता हरण जब होता है, रावण उसको लेके जाता है, वो मैजिक है। और जितने मैजिक इफेक्ट्स हैं, ये किसी अनट्रेंड आदमी ने नहीं बनाए, देश के बहुत प्रसिद्ध जादूगर हैं, उनका नाम है अशोक भंडारी, जिन्होंने इस रामलीला के लिए ये सारी चीज़ें ईजाद की, और उन्होंने भारत के परचम को जापान में जाके बहुत ऊंचा किया उनके सहयोग से। जैसे लक्ष्मण रेखा, तो 60 फुट की लक्ष्मण रेखा, 60 फुट चौड़ा हमारा स्टेज है, जो सेंटर स्टेज है, बर्निंग वो पहली बार हम लोग करेंगे, बर्निंग रेखा। और शिवलिंग का फटना, शंकर का निकलना, और उसमें कोई लेंथ ही नहीं है, बीच में कोई आ गया, किसी ने रोका, हमारा वो सिस्टम नहीं है। एक बार ट्रैक चलता है और उसमें व्यवधान नहीं है, सीधा जाके समाप्त होता है। तो ये कोशिश है हमारी कि जिस प्रकार से देश में बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, तो किसी प्रकार से भी हमारे शहर का इवेंट कम नहीं हो, उसे बढ़कर हो, और उसमें जितनी भी हमारी आधुनिक शैलियां हैं, नृत्य शैली, नाट्य शैली, उन सब का उसमें समावेश किया गया है। जो ट्रैक बना है वो नया ट्रैक बना है, और प्रतिदिन हम 2.5 घंटे की रामलीला, बाकी एक्टिविटीज़ को आप अलग करें, उसका समय और हो सकता है, अदरवाइज पूरी रामलीला का मंचन का समय हमारा 2.5 घंटे है। और 2.5 घंटे के अंदर हम चाहते हैं जो प्रशासन के नियम हैं, प्रशासन की स्वीकृति, अपने प्राधिकरण की स्वीकृति, अग्निशमन की स्वीकृति,
समय की स्वीकृति जो इस शहर में लागू है कि 10 बजे के बाद साउंड सिस्टम नहीं चलना चाहिए, मेरी मैनेजमेंट को ये कहना था कि हम उसकी आदत डालें लोगों में कि हम समय पे 7:30 हमने समय दिए 7:30 बजे उसको प्रारंभ करें और 10 बजे तक इसको वाइंड अप कर दें ताकि हम जो नियम सरकार का बना है प्रशासन का उसका भी पालन करें। ये भी हमको देना पड़ेगा कि हम डिसिप्लिन लोग हैं, हम डिसिप्लिन में रह के इस शहर को अच्छी चीज़ देना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरा यही है कहना कि आप प्रश्न करें, मैं आपका उत्तर दूंगा। इस बार की लीला अद्भुत लीला होगी और नई कमेटी आई है, उन्होंने आपने देखा है ओमैक्स हमारा चीफ स्पॉन्सर है, उन्होंने हमें चीफ स्पॉन्सरशिप दी है। आप ये लिटरेचर जो थोड़ी सी हमने छापी है उसका भी अवलोकन करें, उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। और मैं आशा कर रहा हूँ कि जो मेरी सोच 2006 में थी उसको आगे बढ़ाया जाए और उसको आगे बढ़ाते हुए इस रामलीला को हमें चाहते हैं कि विश्व में फिर एक स्थान दें, क्योंकि ऑलरेडी 3 बार हम दिल्ली में जब करते थे, दिल्ली से उठा के यहाँ प्रोजेक्ट लाए, तब कल्पना भी नहीं की थी किसी ने कि 2006 में इतना बड़ा प्रोजेक्ट इस शहर में आ जाएगा, शहर भी विकसित नहीं हुआ था। तो ये प्रयास था उस वक्त भी कि क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा जीवन सारा इसमें गया है, अभी भी देख रहे हैं कि मैं डायरेक्टर हूँ या मैं ऑर्गेनाइजर, मैं इनसे कह रहा था कि मुझे ना बिठाएं इसलिए कि मैं सुबह से स्नान नहीं किया है, 7 बजे से मैं कार्य कर रहा हूँ ग्राउंड में। क्या होता है